the scenario is there's a patient with dengue fever, wheeled into emergency, and then one of the residents is assessing him. I'm going to be the patient. Deva re deva, mujhe bachao re baba. Sir, अरे डॉक्टर आपको आप ठीक हो? अरे डॉक्टर पहचाना नहीं मुझे, मैं लड्डू गोपाल. सर मैं तो 100 पेशेंट देखती हूँ दिन में. आई डोंट रिमेम्बर. अरे मैडम मैं वही हूँ जो बहाना बना के एडमिट होता रहता हूँ. मुझे अपना बीवी को तंग करना बहुत पसंद करता हूँ मैं. ओ गॉड, अब क्या हुआ आपको? नहीं नहीं, अभी मैं जेन्युइन रीजन के साथ ही आया हूँ. देखिए ना, इतना बड़ा मच्छर काटा था मुझे 10 दिन पहले. सर एक्चुअल में तकलीफ आपको हो रहा है? देखिए मैडम, मुझे 10 दिन से बुखार है. Okay. बहुत दम लग रहा है मुझे. Okay. पेट भी बहुत फुला हुआ है, पेट भी दर्द हो रहा है. ठीक है. गांव में एक डॉक्टर को दिखाया था, उन्होंने बोला कि मुझे डेंगू फीवर है मैडम. आप प्लीज उधर फाइल पड़ा है. पेपर, हाँ हाँ उधर है मैडम, एक बार देख लीजिए ना मैडम. ठीक है सर. सर आप लेट जाइए, तब तक हम आपका असेसमेंट वगैरह कर लेंगे. ठीक है, मैं आपके फाइल को देख लेती हूँ, 2 मिनट दीजिए मुझे. सो द पेशेंट हैज़ हेपेटोस्प्लेनोमेगैली ऑन हिज यूएसजी. ही हैज़ सम अमाउंट ऑफ प्लोरल एफ्यूजन ऑन हिज एक्सरे, एंड आई एम जस्ट गोइंग टू चेक हिज वाइटल्स. सर आपका बीपी 80/40 है सर. क्या बात कर रहे हो, 80/40? मैं मरने वाला हूँ, मुझे पता है मैं मरने वाला हूँ. सर काम डाउन, मेरी बीवी को बुला लीजिए. सर सर आई लव यू बेबी. सर काम डाउन, लेट जाइए, हम आपका ट्रीटमेंट कर लेंगे. ठीक है, आपको कुछ होने वाला नहीं है. वी आर गोइंग टू स्टार्ट योर ट्रीटमेंट राइट नाउ. ठीक है, वील एडमिट यू टू दिस हॉस्पिटल. आवर कंसल्टेंट्स आर क्वाइट गुड सर. डॉक्टर चट्टोपाध्याय, वो मुझे जानते हैं. बुला लीजिए मैडम को, अभी के अभी बुला लीजिए. ठीक है सर, उनको बोल दीजिए उनके फेवरेट पेशेंट आ गए हैं. सर ओके सर. सर आप जस्ट काम डाउन कीजिए, आप रिलैक्स कीजिए, वी आर टेकिंग केयर ऑफ यू सर. हेलो. यस मैम, एक्चुअली डॉक्टर चट्टोपाध्याय, दिस इज नतीशा फ्रॉम ईआर. सर मैम, यू हैव अ पेशेंट हियर, मिस्टर लड्डू गोपाल. अरे क्या हो गया अभी उसको? Ma'am, he seems to be in dengue shock syndrome. Okay. What is his BP? His BP was 80/40 when he came in, ma'am. So okay. We've started him on fluids and okay. So he wants you to come in and see him. Okay, I'll come in sometime. I'm busy in the ICU. Start him on meropenem and monitor his BP. Let me know if his fluid responsive or not. Ma'am, actually, can you repeat that? Start him on meropenem, see if his fluid responsive or not. I'll come in sometime. I'm busy in the ICU. Tell him I'll come in sometime. Are you sure you want to start meropenem? I mean, yes. Do you have any reason not to? Ma'am, it's dengue shock syndrome. No, it's not generally recommended. Yeah, but he has had a history of urosepsis and I want to prevent a secondary bacterial infection as well. So you start on meropenem. Ma'am, but it's really not recommended. How long have you been working in ER, Nitisha? Ma'am, I'm new. I've been here for 1 month. Yeah, so my experience is more than your knowledge, okay? So just do what you're saying. Okay, ma'am. Sure. Sir, ma'am se baat ho gaya hai. Woh aake aapko ward mein dekh lenge. Nahi, nahi, nahi. Yeh sab nahi chalega. Ma'am ko bula lijiye abhi kabhi. Kya ho gaya, Laddu Gopal? Namaste, doctor. Kaise ho aap? बस क्या हो गया तुमको? नहीं बहुत दम लग रहा है डॉक्टर. अच्छा ठीक है, आपको एंटीबायोटिक स्टार्ट कर रहे हैं, फ्लूइड्स चालू किया है. ठीक है, आपको आईसीयू में एडमिट करेंगे. ओके, सो वी विल बी स्टार्टिंग हिम ऑन एंटीबायोटिक्स राइट नाउ. या सो डॉक्टर चट्टोपाध्याय, आप इधर. आप कौन? बहुत दिनों के बाद देख रहा हूँ आपको. मैंने तो कभी नहीं देखा आपको. मैं अपने माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट में ऐसे ही बैठता हूँ और रिपोर्ट पे स्टैंप लगाते रहता हूँ. अभी नहीं दिखता है. इसके लिए दिखता नहीं हूँ. बोलिए क्या आर्ग्यूमेंट है आपका? देखिए आपका कोई पेशेंट आने वाला, आपका फेवरेट पेशेंट आपने बोला हुआ था. लगता है वो आ गए, कहीं तो दिखाई तो नहीं दे रहे इधर अभी. हाँ उधर है. चले तो रेसिडेंट ने बोला कि उसको मेरो और टार्गो देना है, वो भी डेंगू फीवर के लिए. आपको डेंगू फीवर के लिए क्यों देना है? So my patient has had a history of urosepsis and I want to prevent a secondary bacterial infection. We'll also send for cultures, then okay. We'll de-escalate the antibiotic. But that was last time, no. This time he is having a dengue and that is a viral fever. Agar ho gaya to? Let us think about it. See, right now we are not thinking about any infection per se. It is just a viral fever that you are worried about. If he is... Aap kune mein baith ke na, idhar ER mein pitwa doge humko. अरे वो तो बाद की बात है ना, अभी तो फिलहाल मैं आपको बचाने की कोशिश कर रहा हूँ. अभी आपने एंटीबायोटिक दे दिया, बाद में रेजिस्टेंस डेवलप हो गया, फिर बाद में पिटोगे.
बात तो सही है. ठीक है, लेट्स वेट ऑन द कल्चर रिपोर्ट्स. या वी कैन प्रोबेबली आफ्टर द कल्चर वी कैन प्रोबेबली वेट फॉर द एंटीबायोटिक ये कल्चर रिपोर्ट्स एंड देन वी कैन लुक फॉरवर्ड टू इट. अगर ऐसा कुछ रहा तो यू कैन डीएस्केलेट द एंटीबायोटिक एंड देन यू कैन स्टार्ट अगेन. व्हाट डू यू से? ओके, साउंड्स फेयर. फेयर एनफ. आर यू हैप्पी? आपको जो सही लगता है डॉक्टर. So we over here we would just like to say that dengue is a mosquito-borne viral infection, wherein it is because of an anti-inflammatory process, not because of an infection per se. Hence, actually, in the literature there is no evidence wherein we need to start an empirical antibiotic in case of a dengue fever. So my advice would be like we can treat dengue fever just symptomatically. In case if there is any superadded infection, then we can probably think of a lower antibiotic, and depending on the culture reports, we can escalate it anytime. Thank you.